नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम रावत आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ जीके के क्वेश्चन। यदि आपने इससे पहले वाला जो पार्ट आया था दोस्तों, उसका लास्ट क्वेश्चन क्या था उसको देखेंगे। तो रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है, तो इसमें हमने देखा था भूकंप को रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। और आज हम उसके आगे वाले जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। यदि इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का पहला क्वेश्चन हमारा, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है। दोस्तों जो हमारी पृथ्वी की तीन परतें होती है, भूपर पट्टी, प्रवाल या कोर्ड। भूपर पट्टी जो होती है सबसे पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह, प्रवाल जो होती है मध्य की सतह, और कोर्ड जो होती है पृथ्वी की सबसे आंतरिक सतह होती है। तो भूपटल यानी भूपर पट्टी पर सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है। ऑप्शन आयरन यानी लोहा Fe, कोबाल्ट, सोना या एल्यूमिनियम। तो यह है एल्यूमिनियम दोस्तों। जो एल्यूमिनियम है इस पर सबसे अधिक मात्रा में धातु पाई जाती है। और इसका जो ऑक्साइड जो है इसको होता है सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी की भूपर पट्टी सतह पर पाया जाता है। किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है। ये क्वेश्चन अभी हमने दोस्तों कल ही चर्चा की अभी, यानी प्रीवियस वीडियो में। तो इसका ऑप्शन है किस ग्रह को सांध्य तारा कहा जाता है, यानी सायम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन शुक्र, मंगल, और दो ऑप्शन और बुध या शनि। तो यह है शुक्र दोस्तों। शुक्र जो है उसको पृथ्वी के सबसे नज़दीकी स्थित ग्रह भी हैं। और इसको सो सायम का तारा, शुक्र या भोर का तारा, या सबसे चमकीला जो तारा है पृथ्वी के से दिखाई देने वाला, वह इसे कहा जाता है। यानी कि तीन चार नामों से जाना जाता है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं। समताप मंडल, शोभ मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल। तो दोस्तों ये जो इसका जो क्रम है वह ऐसे है, पहले शोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, या फिर आयन मंडल, या जिसे भाव्य मंडल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो अपना आंसर होगा वह है शोभ मंडल। शोभ मंडल को है पृथ्वी की सबसे निचली सतह के नाम से जाना जाता है। और समताप मंडल जो होता है उसमें जो ओजोन परत होती है वो उपस्थित होती हैं। और शोभ मंडल में जो हमारा वायुमंडल होता है जिसमें लगभग सभी प्रकार की गैसें उपस्थित होती हैं वह पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को एक डिग्री देशांतर घुमाने में कितना समय लगता है। तो 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 5 घंटे। तो यह है 4 मिनट दोस्तों। पृथ्वी को जो है एक डिग्री देशांतर घुमाने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। इसके बाद नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। तो सीमेंट, जिप्सम, कैल्शियम कार्बोनेट, चिकनी मिट्टी और सीमेंट से। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे पॉप कहते हैं शॉर्ट नेम, तो ये जो होता है दोस्तों जिप्सम, जो जिप्सम होता है जिसे जिसका उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट में मिलाने के लिए किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि जिप्सम से बनता है। इसके बाद नेक्स्ट, मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं। गलफड़ों, फेफड़ों द्वारा, मुंह द्वारा या त्वचा द्वारा। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ये है, मछली किसके से अपनी सहायता से जो है श्वसन की क्रिया लेती हैं, यानी सांस लेती हैं। तो गलफड़ों द्वारा इसका जो सही आंसर है फर्स्ट वाला, एक गलफड़ों द्वारा। नेक्स्ट, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस चक्र या क्रेब चक्र या प्रकाश संश्लेषण या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सबसे इजी क्वेश्चन है ये। और ये जो है प्रकाश संश्लेषण, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है। तो सबसे दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। और ऑप्शन है आकर्षण बल, अपकेंद्रीय बल, विकर्षण बल या ए और बी दोनों। ए और बी दोनों यानी कि आकर्षण बल और या अपकर्षण बल दोनों। तो दोस्तों जैसे देखो यहाँ पर अगर ऑप्शन पर हम चर्चा करेंगे तो आकर्षण बल यानी अपने ओर आकर्षित करने वाली, विकर्षण बल यानी अपने से दूर ले जाने वाली, और अपकर्षी बल यानी कि आप अगर उसको घुमाएंगे तो वह गोल घूमेगी। तो यहाँ पर दूध से क्रीम बनाने के लिए आपको उसको अच्छे तरह फेंटना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर रहेगा अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल दूध से क्रीम बनाने की प्रक्रिया होती है। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों जो RBI है उसका मुख्यालय कहाँ पर। ऑप्शन दिल्ली, चेन्नई, पुणे या मुंबई। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, जो
ये रिजर्व बैंक जो है देश की राष्ट्रीय बैंक है, तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों सबसे कंफ्यूज करने वाला है, और यह है मुंबई। क्योंकि अक्सर जो लोग होते हैं वह एग्ज़ाम के जो स्टूडेंट होते हैं वह दिल्ली लगा कर आते हैं, जो कि गलत है। और इसका जो आंसर है वह है मुंबई। मुंबई में जो है आरबीआई का मुख्यालय है, और आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर हैं वह है शक्तिकांत दास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, अगर आप इतिहास के कुछ क्वेश्चन देखें तो उनके लिए। खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, लाला लाजपत राय, इनमें से कोई नहीं। तो ये है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है फिनलैंड, इंडोनेशिया, ग्रीनलैंड, और जो इसका लास्ट ऑप्शन है वह है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों जैसे ऑस्ट्रेलिया तो आप जानते हैं कि ये एक महाद्वीप है, तो इसलिए ये एक द्वीप की श्रेणी में नहीं आएगा। बचे जो बाकी तीन क्वेश्चन, इनमें से यह है ग्रीनलैंड। दोस्तों ग्रीनलैंड जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा जो है द्वीप समूह है, जबकि इंडोनेशिया जो है सबसे अधिक द्वीपों वाला देश है। इसके अलावा फिनलैंड को जो सामान्यतः सफ़ेद मोतियों का शहर कहा जाता है। तो अपना जो सही आंसर रहेगा वह है सी सी ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड को जो है दोस्तों सबसे बड़ा द्वीप के नाम से जाना जाता है, और सबसे बड़े द्वीप समूह के नाम से अगर आप देखेंगे तो इंडोनेशिया। दोनों ही दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति और प्रथम प्रधानमंत्री में अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो देखते हैं। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या लाल बहादुर शास्त्री, या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति, राष्ट्रपति यानी जो राज से स्टार्ट होते हैं, अगर हम देखेंगे तो अगर इनका सेम नेम मिलाएंगे, राष्ट्रपति यानी यह र से स्टार्ट हो रहा है, और जो अगर आप राष्ट्रपति का नाम देखेंगे तो राजेंद्र प्रसाद, दोनों का जो नेम है वो र से स्टार्ट हो रहा है, यानी आपको याद रखने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। प्रथम राष्ट्रपति यानी राजेंद्र प्रसाद। अब देखेंगे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे थे। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, यह भारत के प्रथम गृह मंत्री और जो उप प्रधानमंत्री रहे हैं, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री या जो गृह मंत्री बोलते हैं आप, इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री, ये भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन जो कुछ बाद में रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन है 40वां, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है धान, गेहूं, चना या कपास। तो अपना आंसर रहेगा दोस्तों यह कपास। कपास जो है काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।